वेलकम, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ हमारा ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है अनटोल्ड लव स्टोरी। वाल इस प्रोग्राम में हमेशा ही हम बात करते हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे लव बर्ड्स के बारे में जो अपने रिश्ते को हमेशा अधूरा कर अपनी जिंदगी में अलग और आगे बढ़ जाते हैं। हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में बॉलीवुड के कुछ ऐसे कपल्स के बारे में जिनकी कहानी, जिनकी प्यार भरी दास्ता हमेशा ही बॉलीवुड की गलियारों में गूंजती रही है। तो चलिए आज भी हम आपको एक ऐसे ही एक्स कपल के बारे में बता दें जो किसी ज़माने में अपनी लव स्टोरी को रियल और रियल लाइफ यानी कि रियल और रियल लाइफ पर्दे और पर्दे के पीछे भी खूब चर्चा में रखा करते थे। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया, एक ही रात में पूरा का पूरा प्यार नफरत में तब्दील हो गया। आज हम आपको बता दें, बात करने वाले हैं हम फिल्म, जी हाँ, फिल्म साजन के जरिए अपने रोमांटिक अवतार से लोगों का दिल जीतने वाले संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के बारे में। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के साथ संजय दत्त का अफेयर कितना चर्चा में रहा है ये आप भी जानते हैं। किस तरह से माधुरी और संजय का रिश्ता जुड़ा और किस तरह से दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए, आज हम आपको पूरे प्रोग्राम में बताएंगे माधुरी और संजय के रिश्ते के बारे में, वो अनोखी सच्चाई, वो अनसुलझे रहस्य के बारे में, कुछ ऐसे किस्सों के बारे में जो कि अब भी बॉलीवुड की गलियारों में दबे हुए किस्सों में शामिल है। जी हाँ, फिल्म संजू के जरिए रणवीर कपूर जो संजय दत्त के किरदार में नजर आएंगे, फिल्म में माधुरी दीक्षित का किरदार कौन निभाएंगे और क्या होगा पूरी कहानी का वो ट्विस्ट जो लोगों को काफी पसंद आएगा। संजू फिल्म में माधुरी और संजय की लव स्टोरी को किस तरह से दिखाया गया है ये आपने ट्रेलर में छोटी सी झलक देखी होगी कि संजय दत्त माधुरी के लिए किस तरह से जेल में तड़प रहे होते हैं। जी हाँ, जेल से जुड़ी है उनकी पूरी कहानी जो मोहब्बत से सीधा नफरत में बदल गई थी। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की लव स्टोरी की। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त ये दो ऐसे लव बर्ड्स रहे किस जमाने के जिन्होंने अपनी एक फिल्म नहीं बल्कि कई फिल्मों के जरिए पर्दे पर अपने प्यार को बयां किया, जिन्होंने निजी जिंदगी में भी अपने प्यार को पूरी तरह से एंजॉय किया था। ये कहानी है एक ऐसे नायक की जो असल जिंदगी में भी खलनायक के तौर पर पहचान बना है, सुनील दत्त और नरगिस दत्त के बेटे संजय दत्त, जिन्होंने बॉलीवुड में तमाम फिल्में की लेकिन साथ में उनसे कुछ ऐसी गलतियां भी हुई जिसकी वजह से फिल्मी पर्दे से उन्हें सालों सालों तक दूरी बनानी पड़ी। इतना ही नहीं, उन्हें माधुरी दीक्षित नाम की अपनी मोहब्बत यानी कि बॉलीवुड की धक धक गर्ल को भी खोना पड़ा था। साल 1990 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की जोड़ी जो बॉक्स ऑफिस पर हमेशा धमाल करती थी, वैसे जिंदगी में करीब तो आ गए थे लेकिन दोनों के रिश्ते को शादी का नाम मिले से पहले ही दोनों हमेशा के लिए दूर हो गए। आज हम इसी बारे में आपको बता दें, ये बात तब की है जब थानेदार फिल्म की शूटिंग के दौरान माधुरी और संजय एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से गिरफ्त हो गए। तब फिल्म के कई निर्माता ये बता रहे थे कि संजय दत्त आउटडोर शूटिंग के दौरान घंटों तक अपनी गर्लफ्रेंड माधुरी दीक्षित के साथ फोन पर व्यस्त रहा करते थे और इसका बिल प्रोड्यूसर को ही भरना पड़ता था। इसी वजह से प्रोड्यूसर को हर बात मालूम पड़ जाती थी। वहीं बात करें उनके हिट मूवी साजन की, तो फिल्म में दोनों का प्यार तो सभी ने देखा था लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों किस कदर करीब आए थे ये शायद ही आपको मालूम। जी हाँ, संजय उस वक्त शादीशुदा था, इसके बावजूद, जी हाँ, एक बेटी के पिता होने के बावजूद संजय अपनी पत्नी रिया नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड माधुरी दीक्षित के साथ वक्त गुजारा कर, तब उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर अमेरिका चली गई। दोनों अलग हो चुके थे और साजन के बाद हर किसी के जुबान पर सिर्फ नाम संजय और माधुरी का रहा। कई मैगजीन में छपी खबरों की माने तो तब हर रिश्ते में नाम संजय और माधुरी के रिश्ते का पहले चर्चा में आ जाया करता। अरे, खबरें ये तक आ गई थी कि दोनों शादी के बंधन में बहुत जल्द बंधने वाले, लेकिन इसी बीच प्यार में एक नया ही मोड़ आया।
प्यार नफरत में तब्दील हुआ क्योंकि संजय दत्त हो गए गिरफ्तार। एक खास बेहद ही चौंकाने वाले मामले की वजह से। उसके बाद 2 महीने तक दोनों एक दूसरे से दूर रहे। 5 जून 1993 में फिल्म खलनायक जब रिलीज हुई तो ये फिल्म इसी वजह से बहुत बड़ी हिट फिल्म भी साबित हुई थी। आ जा रहा था कि वाकई में इस फिल्म में संजय दत्त का असली चेहरा तक सामने आया है। और आपको बता दें 16 महीने जेल में गुजारने के बाद संजय दत्त माधुरी दीक्षित से पूरी तरह से दूर थे। माधुरी दीक्षित अपने प्यार सलमान से 16 महीने के बीच एक बार भी मिलने नहीं। यही वजह थी कि दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस रिश्ते को खत्म करने में माधुरी दीक्षित ने अपना कदम बढ़ाया संजय दत्त का साथ ना देकर। इसकी वजह ये भी थी कि माधुरी के माता पिता संजय पर लगे इल्जाम की वजह से माधुरी पर दबाव डाल रहे थे इस रिश्ते को खत्म करने के लिए। ऐसी खबरें तब आई थी कि संजय की जेल जाने के बाद माधुरी ने उनसे मुलाकात इसलिए ही नहीं की। संजय इतने नाराज हुए माधुरी के इस फैसले से कि माधुरी के साथ फिल्म तक उन्होंने साइन करने से पर इनकार ही। दोनों की लव स्टोरी का कुछ इसी तरह से दे एंड हो गया। फिर सालों बाद माधुरी ने अमेरिका के डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ शादी करने का फैसला लिया। इसके बाद कई सालों तक फिल्म इंडस्ट्री से दूर माधुरी अपनी मैरिज लाइफ को एंजॉय कर रही थी और तब वो 2 बेटों की माँ भी बनी, अरहान और वेदांत। आपको बता दें माधुरी दीक्षित इसके बाद संजय दत्त से कभी भी नहीं मिली। सालों गुजर गया लेकिन माधुरी और संजय का रिश्ता जो उस वक्त टूटा वो हमेशा के लिए टूट कर बिखरा हुआ ही नजर आया। और कुछ इस तरह से दोनों की कहानी का द एंड हुआ जिसे आप रूप भले पर्दे पर फिल्म संजू के जरिए देखेंगे, जिसमें संजय दत्त के किरदार में माधुरी के प्यार में भी तड़पते हुए जेल के अंदर अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करते नजर आएंगे फिल्म के संजू यानी कि रणबीर कपूर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम अनटोल्ड लव स्टोरी, जिसमें हमने आपको धक धक गौर यानी कि माधुरी दीक्षित और उनके एक्स लवर बॉय यानी कि संजय दत्त के बारे में बताया। बताया हमने आपको किस तरह से दोनों का रिश्ता जुड़ा, किस तरह दोनों की शादी तक की अफवाहें उड़ गई थी। खबरें ये तक आई थी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों इस कदर करीब आ गए थे कि घंटों तक एक दूसरे के साथ बात करने में वो भूल जाते थे सभी को, और सभी को भूलने के बावजूद दोनों एक दूसरे के प्यार को हमेशा रखते थे यार। वो प्यार जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वो माधुरी जो अपने हस्बैंड श्रीराम नेने के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं, और वो संजय दत्त जो अपनी पत्नी मान्यता दत्त और अपने बच्चों के साथ एक अलग ही जिंदगी गुजार रहे हैं। वो संजय माधुरी जो कभी पर्दे के जान हुआ करते थे, जिनकी जिंदगी एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं गुजरती थी, वो जिंदगी हमेशा के लिए पीछे रह गई और दोनों की जिंदगी अलग हो गई। लेकिन माधुरी और संजय का प्यार क्या वाकई में आज भी उनके दिलों में छाया है, उनके दिलों में कहीं पर बसा हुआ है, ये जानना वाकई उतना ही मुश्किल है जितना अंदाजा उनके दिल में एक दूसरे के लिए नफरत के लगान जैसा है। जी हाँ, दोनों के रिश्ते में आखिर ऐसी क्या बात हुई थी जो पूरी तरह से खटास में बदल गया था, इसका सच अब भी लोगों के सामने नहीं आया। लेकिन माधुरी और संजय का रिश्ता कुछ ऐसा रहा जिसकी वजह से बी टाउन में सालों सालों तक दोनों को एक्स लव बर्ड्स का नाम दिया गया। खैर अब वक्त आ चला है आज इसी के साथ अनटोल्ड लव स्टोरी का यहीं दी एंड करने का। तो आज के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे इसी प्रोग्राम के अगले एपिसोड को लेकर ऐसे ही कुछ अनसुने दास्ता एक्स लव बर्ड्स से लेकर रियल लव बर्ड्स के बारे में बताने के लिए, जिसके लिए आप यूं ही बने रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। और अब मुझे दे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।